लोकसभा चुनाव के अभी कुछ ही महीने बचे हैं। अभी से ही प्रत्याशी अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हुए हैं। धनबाद संसदीय सीट से एक बार फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे ने धनबाद सीट पर खुद को दोबारा दावेदार बताया। ददई दुबे ने कहा कि आलाकमान का आदेश मिलते ही धनबाद में चुनावी अभियान की शुरुआत कर देंगे। आपको बता दें कि धनबाद में कोयला मजदूरों को लेकर बंद का आह्वान आगामी 3 अक्टूबर को किया गया है। पूरे कोल इंडिया का चक्का जाम करने के ऐलान को लेकर मीडिया को पूर्व सांसद संबोधित कर रहे थे। मैं औरों की तरह हल्ला नहीं करता, औरों की तरह मैं घूम घूम के झूठा प्रचार नहीं करता। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब तक जिंदा हूं तब तक धनबाद के लिए हूं। धनबाद ने मुझे एक ही बार भेजा है तो मैं उसको बहुत बड़ा समझता हूं, और आज भी कभी भी अला कमान हमको टिकट देगी, टिकट हमको मिल गई तो मैं लड़ूंगा, लेकिन टिकट नहीं मिल गई तो राहुल जी सोनिया जी समझे, क्योंकि वे लोग हमको जानते हैं, तो उनके पास मुझे अपना परिचय देना है। और लोग अपना परिचय देते हैं कई तरह का मामला उठा करके, उस सब चीज से हमको मतलब नहीं है। मैं खुद टिकट मिलेगा तो लड़ूंगा, और ये भी बता देता हूं कि लड़ूंगा जीतने के लिए। मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा और धनबाद का हर गरीब अमीर मध्यम वर्ग के लोग सारे लोगों से घर घर का मेरा रिश्ता है, घर घर से मेरा रिश्ता है। तो 5 महीने के अंदर में चुनाव होने वाला है। गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड मुख्यालय में बीते एक सप्ताह से एक लाचार बेसहारा गरीब रुक्मणी कुंवर अपने जमीन के न्याय को लेकर प्रखंड मुख्यालय में धरने पर बैठी है, और उसे शासन और प्रशासन में बैठे लोग न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। इस संबंध में रुक्मिणी कुंवर का कहना है कि मेरे पास विनोबा भावे का दिया हुआ लाल पट्टा और जमीन का कागजात भी है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन में बैठे लोग मुझे न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। शासन प्रशासन के लोग महिला को न्याय नहीं दिलाना चाह रहे हैं, जिसको लेकर महिला एक सप्ताह से प्रखंड मुख्यालय में अपने परिवार के साथ धरने पर बैठी है। अब देखना यह है कि क्या इस बेसहारा महिला को न्याय मिल पाता है या नहीं। यहाँ धारणा पड़े तो पुतोहन अलन आ चारो हमारे पलान हमारा बनैलन तो हम चाल बोल नहीं कुछ कैली, चुचाप हम रह गैली, हम दूगो माई बेटी से दोनों हम चुचाप लगा दिली, और रहन से एकदम हम देह पर देह रगड़त पड़न, गाड़ी घुटता एकदम देवत पड़न। बाकी अति वीडियो साहेब चेमरा में से नहीं निकलन जहाँ आप लोग का हल्ला कर रहे हैं, आप लोग आए हैं दोनों पार्टी तो दोनों पार्टी बैठी है, बाकी कुछ नहीं हल्ला कैलन। हम गाड़ी देवत बढ़न तो देवत बढ़ा, बाकी कोई नहीं है नाम के कहलन जहाँ इसको गाड़ी दे रहे हैं। वीडियो साहब चेमर से नहीं चेमर से नहीं निकलन वीडियो साहेब, जब अपन गाड़ी देवे लगलन। मामला आप देख रहे हैं जो यहाँ लगा हुआ है बैनर रुक्मिणी कुंवर का। अगले वर्ष रुक्मिणी कुंवर इसी ब्लॉक पर धारणा दी हुई थी, और उस समय हम लोग समर्थन किए थे, और समर्थन किए उस समय यहाँ खुद रंका अनुमंडल के SDO आकर आश्वासन दिया और धारणा तोड़वाया, कहा कि आपका कागज है, आपका जमीन है, अब आपको रसीद भी मिल जाएगा, आपको कागज मिल जाएगा, और आपको दखल कराया जाएगा, उस पर कोई दबंग जो है जमीन पर दमगई नहीं करेगा, उसके लिए प्रशासन हटाएगा। लेकिन आज परिस्थिति एकदम बदली हुई है, एक साल बीत गए, रुक्मिणी कुंवर फिर से अपने परिवार झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम, झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम, वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।